और अब आपके लिए आई है सास बहू और साजिश की आज की बहुत ही खास और बहुत ही स्पेशल कहानी। हे गोली और तुम्हारी चाहत का हट जा सामने से। मीरा सिर्फ 3 तक की गोली सुना तुमने? हट जा सामने से। मीरा ये क्या पागल 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 हो गया तुम? मैं पागल नहीं हूँ। मीरा अगर बात चाहत की है ना तो मैं भूल जाऊंगा कि हम दोनों का क्या रिश्ता रहा है। मैंने चाहत की रक्षा करने का कसम खाई है उसकी ढाल बनकर। मीरा नो पागल हो क्या तुम? क्या चाहत हो जाएगी कुर्बान? चाहत के साथ नील को भी लगी है गोली। क्योंकि नील की पूर्व प्रेमिका मीरा ने उठा ली है बंदूक। उसके सर पर सवार है खून और वो आज खेल तमाम करना चाहती है चाहत का और चाहत और नील की प्रेम कहानी का। जी हाँ, कुछ ऐसे ही इरादे से उसने चाहत को किडनैप किया था, उसको बांध कर रखा था और जब यहाँ पर नील आया और चाहत को छुड़ाने की कोशिश करने लगा तो मीरा को इतना गुस्सा आया कि उसने तो तान ली बंदूक और चला ली गोली। अभी फिर से मीरा ने चाहत को किडनैप कर दिया है और वो नील को ब्लैकमेल कर रही है कि देख मैं इसको मार दूंगी। बेसिकली अब चीज़ें चेंज हो गई हैं। अभी तक जैसा ट्रैक दिखा रहे थे मीरा बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, वैसा कुछ नहीं है। वो कहीं ना कहीं उसने अंदर ही अंदर रियलाइज़ कर दिया था कि नील और चाहत एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो बस थोड़ा ड्रामा क्रिएट करी थी सो दैट शी कैन ब्रिंग नील एंड चाहत क्लोजर। एंड उसने लगा कि उसके प्लान्स कामयाब नहीं हो रहे थे तो उसने फाइनली बड़ा सा प्लान बनाया जिसमें नील कन्फेस कर देता चाहत को दैट आई रियली लव यू और चाहत बोल दिया लव यू टू। मीरा ने बंदूक चलाई, बंदूक की आवाज भी आई, गोली भी लगी। भाई था तो ये सारा ड्रामा, लेकिन चाहत तो सच में डर गई क्योंकि खेल भले नकली हो लेकिन बंदूक तो कुछ असली जैसी ही दिख रही थी। उन्होंने बोला कि इट्स अ रियल गन बट इट्स नॉट अ रियल गन आल्सो, मतलब वो थोड़ा ऐसे मिडिल वर्जन आता है वो गन का। और वो तानिया मेरे सामने उसको मार रही है और मैं इतना मुझे डर लग रहा है उससे। मैंने कहा डोंट शूट, सब बोल रहे कुछ नहीं होगा, पर उससे फायर निकल रही है, वो आवाज़ वैसा कर रहा है, तो अगर लग गया गलती से तो इट वॉज अ क्रेजी एक्सपीरियंस। बट क्या होगा उससे, चाहत मर जाएगी बट देन वो एकदम जिंदा भी हो जाएगी क्योंकि ये प्लान होता है, वो बस एक्टिंग करती कि वो मर गई है सो दैट नील अपना प्यार कन्फेस करते। वैसे मीरा या फिर कहें कश्मीरा ने गोली चलाने से पहले भी एक तीर जरूर छोड़ा था, चाहत के मन में शंका का बीज डाला था। उसने अस्पताल में कुछ ऐसा ड्रामा किया था जिसके कारण चाहत को ये लगे कि मीरा प्रेग्नेंट है और उसके मन में ये सवाल खड़ा हो जाए कि आखिर मीरा के पेट में किसका बच्चा है, इस बच्चे का बाप कौन है। मगर लगता है मीरा का ये शगुफा शायद उतना काम नहीं आया जितना वो सोच रही थी क्योंकि यहाँ तो सौतन सहेली जो बन गई। सौतन बनी सहेलियाँ। गुड न्यूज पेट में है, गुड न्यूज। हाँ गुड न्यूज आने वाली है कुर्बान हुआ में और इसकी जलने वाली है बहुत, मतलब चाहत की बहुत जलने वाली है जब उसको पता चलेगा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और नील मेरे बच्चे को एक्सेप्ट करने वाला है एंड ऑल दैट जैज। सो आप क्या करेंगी? मैं कुछ नहीं करूँगी, घर छोड़ के जाएंगी? अब भी तो घर छोड़ के जाएंगी। हाँ, मैं अब घर छोड़ के चले जाऊँगी। मैं सोचूंगी मैं इनके बीच कांटा नहीं बनना चाहती। या मैं चाहती कि हड्डी नहीं, मैं नहीं चाहती कि तानिया बोले कांटा लगा हाय लगा इसका हड्डी कबाब्स। तो मैं वही तो बोल रही हूँ, मैं कांटा नहीं बनना चाहती तुम दोनों के बीच का। नील और चाहत दोनों घायल हुए हैं, हालांकि दोनों को गोली ऐसी जगह लगी है जिससे कोई मरेगा नहीं, लेकिन हाँ इसके कारण कहानी में ट्विस्ट जरूर आएगा और नए साल में नया मोड लेती हुई दिखेगी नील और चाहत की ये कहानी। मुंबई से नेहा सावंत के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
ये है एबीपी न्यूज़।